नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2020 में हुए काफ़ी सारे मेजर इवेंट्स के बारे में। हाँ, 2020 काफ़ी ज़्यादा बुरा साल गया था कई लोगों के अकॉर्डिंग, और कई लोगों के अकॉर्डिंग काफ़ी सही गया था, नॉर्मल साल गया था। तो हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और सारे जो मेजर इवेंट्स हुए हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर सीरियल वाइज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी में हुआ क्या, जनवरी में सबसे पहली न्यूज़ आ जाती है प्रिंस हैरी और मेगन की। उन्होंने रॉयल फैमिली जो थी उसे क्विट कर दिया था 8 जनवरी 2020 को। उसके बाद में न्यूज़ आ जाती है स्पेस से रिलेटेड, जो कि है रेयर प्लैनेट डिस्कवर्ड। एस्ट्रोनॉमर्स हैज डिस्कवर्ड अ न्यू रेयर प्लैनेट, उसका नाम रखा गया था TOI 1338-B। उसके बाद में न्यूज़ आ जाती है डेडली ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी खतरनाक एक बुश फायर हुई थी ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में, जो कि दिसंबर 2019 में शुरू हुई थी, और 47 मिलियन एकर्स के फॉरेस्ट को हटा दिया गया, यहाँ की जल गया होगा, और हज़ारों से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, 34 पीपल मरे और 500 से ज़्यादा एनिमल्स भी मरे। उसके बाद में अगली न्यूज़ आ जाती है इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट बिपिन रावत को चुना गया, जो कि CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम पे नियुक्त किए गए। उसके बाद में आ जाती है फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ में हुआ ये कि फिल्म पैरासाइट ने ऑस्कर जीता। बोंग जोंग हो की फिल्म बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड ऑस्कर में लेने वाली पहली मूवी बनी, और ये पहली मूवी थी नॉन इंग्लिश जो बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीती है। उसके बाद में न्यूज़ आ जाती है नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने इस वर्ष किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। क्रिस्टीना ने अंतरिक्ष में 328 डेज गुजारे। इस तरह उन्होंने अंतरिक्ष में 288 दिनों के इससे पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो नासा की अंतरिक्ष यात्री पैगी विंगस्टन द्वारा वर्ष 2017 में बनाया गया था। उसके बाद में 20 फरवरी की न्यूज़ आ जाती है दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में, जिसमें सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अवार्ड मिला। उसके बाद में अगली न्यूज़ मार्च की आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं मार्च में क्या क्या हुआ था। मार्च में COVID-19 पेंडेमिक की शुरुआत हुई, यहाँ से माना जाने लगा कि 2020 काफ़ी खतरनाक माना जाता है। 2020 में COVID-19 नाम की बीमारी लॉन्च हुई, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मार्च 11 को पेंडेमिक घोषित कर दिया। उसके बाद में अगली न्यूज़ आ जाती है अफगानिस्तान में दो अलग अलग लोगों ने एज अ प्रेसिडेंट ओथ ली अफगानिस्तान में। उसके बाद में आ जाता है स्टॉक मार्केट क्रैश 2020 का, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते हुआ एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश था। उसके बाद भी हम लोग आगे चलते हैं तो अप्रैल मंथ आ जाता है। अप्रैल मंथ में कुछ इस प्रकार की जीके थी कि किम जोंग उन की डेथ र्यूमर्स के बारे में। किम जोंग उन के डेथ र्यूमर्स उड़ रही थी, माना जा रहा था कि कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन मारा जा चुका है या फिर वो मर गया है अप्रैल 15 को, लेकिन 20 दिनों बाद उसकी फोटोज आई जिसमें साफ हो गया कि वो फेक एलिगेशंस थे। उसके बाद में अगली न्यूज़ आ जाती है किंग सलमान इशू अ रॉयल डिक्री। किंग सलमान ऑफ सऊदी अरब डिक्लेयर दैट पीपल विल नो लॉन्गर बी एग्जीक्यूटेड इन सऊदी अरेबिया फॉर क्राइम दे वर कन्विक्ट ऑफ वेयर दे वर माइनर्स। दोस्तों, अगला मंथ आ जाता है मई का। दोस्तों, मई के मंथ में हुआ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट नेवल का, जिसके अंदर एक ईरानियन नेवल एक्सरसाइज के चलते गल्फ ऑफ ओमान में काफ़ी लोग मारे गए, यानी कि 19 लोग मारे गए और 15 लोग इंजर्ड हुए। तो उसके बाद में बात करते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर की, जो कि श्रीनगर नाम के एक डिस्ट्रिक्ट, पौली गढ़वाल नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक श्रीनगर नाम की जगह है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट फायर लगी इंडिया में मई में। 46 फायर्स वर रिपोर्टेड कवरिंग अराउंड 71 हेक्टेयर एंड किलिंग 2 पीपल। उस फॉरेस्ट फायर में 2 लोग मारे गए और 71 हेक्टेयर तक का लैंड जल गया। उसके बाद में आ जाते हैं सबसे महंगा ऑक्शन, जो कि था $560,000 का माइकल जॉर्डन का एयर नाइक ऑटोग्राफ्ड साइन, जो कि ऑनलाइन ऑक्शन में $560,000 का बिका। उसके बाद में हम लोग जून की तरफ आते हैं। तो जून में हम लोगों को देखने को मिलता है कि गलवान वैली अटैक, गलवान नाम की वैली थी उसमें अटैक हुआ, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर और 40 चाइनीज़ फोर्सेज मारी गई, और वो
डिस्प्यूट काफ़ी आगे तक चला जो कि चाइना इंडिया के बीच में एक टेंशन का इशू बन गया। उसके बाद में अगले आ जाते हैं ब्लैक लाइव मैटर्स का, जिसके अंदर एक पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक बंदे को मारा, जिसके बाद ब्लैक लाइव मैटर का बहुत बड़ा इशू अमेरिका में उठ गया और पूरे वर्ल्ड ने उसमें पार्ट लिया। उसके बाद में आ जाता है लॉकस स्वार्म इंडिया, मैनी इंडियन सिटीज विटनेस लॉकस अटैक, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं टिड्डी, उसका अटैक ने काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किए। इस साल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जून में ये टिड्डी अटैक हुआ। उसके बाद में जुलाई आ जाता है, ट्विटर हैक का ग्रुप एलिग्ड स्प्रेड हेड बाय फ्लोरिडा टीन टुक ओवर द ट्विटर अकाउंट ऑफ प्रोमिनेंट बिजनेस एंड पब्लिक फिगर जो बाइडन, बिल गेट्स, एलन मस्क, और उन्होंने उनके साथ में बिटकॉइन स्कैम किया। उसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन के बारे में, जो कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड ने निकाली है कि 3900 टाइगर्स पूरे दुनिया में अब तक बचे हैं। उसके बाद में रफाल ज्वाइन IAF आ जाता है कि उसके बाद में हमें हमारा पहला रफाल जेट मिला जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया अम्बाला एयरबेस पर इस साल। उसके बाद में अगस्त के बारे में हम लोग बात करें तो अगस्त में आ जाती है, तो अगस्त की सबसे पहले न्यूज आ जाती है राम मंदिर का इनॉग्रेशन, जिसे PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन लेट करके उसका इनॉग्रेशन किया। उसके बाद में अगली न्यूज आ जाती है कि जॉफ बेजोस जो कि हैं अमेजोन के CEO, उनकी नेटवर्थ फोर्ब्स के हिसाब से $200 बिलियन उनकी नेटवर्थ निकाली गई, जिसके साथ में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों उसके बाद में सितंबर की बात करें तो सितंबर में सबसे पहली हमारे पास में न्यूज़ आ जाती है कि साइंटिस्ट ने पॉसिबल लाइफ डिस्कवर की वीनस पर, कि हाँ साइंटिस्ट ने, नासा के साइंटिस्ट ने बोला कि हो सकता है कि वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। उसके बाद में अगली न्यूज़ आ जाती है मुकेश अंबानी टॉप ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट, मुकेश अंबानी ने फिर एक बार टॉप किया इंडिया के सबसे अमीर आदमी के साथ विथ टोटल वर्थ ऑफ ₹6,58,400 करोड़। और अब उसके बाद में बात आ जाती है US वेस्ट स्ट्रगल टू कंटेन मैसिव वाइल्ड फायर के बारे में। दोस्तों उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अक्टूबर के बारे में, अक्टूबर के मंथ की सबसे पहली न्यूज आ जाती है कि नासा के जाइंट स्टेप फॉर वुमेन काइंड, नासा ने प्लान किया कि वो फर्स्ट वुमेन जो कि मून पर थी उसके बाद में वो उनके मिशन के बारे में शेयर करेंगे और 13th मैन टू अटेम्प्ट ल्यूनर लैंडिंग होगा। उसके बाद में अगली न्यूज आ जाती है UK टू इशू क्वाइन ऑन महात्मा गांधी की, UK गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 150th बर्थ एनिवर्सरी पे महात्मा गांधी की UK एक क्वाइन लॉन्च करेगा जिसपे महात्मा गांधी बने हुए होंगे। उसके बाद में अगली न्यूज आ जाती है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के बारे में, जो कि PM मोदी ने रोहतांग में इनॉग्रेट किया, जो कि 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर लंबी टनल थी, इंडिया की सबसे बड़ी टनल होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों तो उसके बाद में अगली न्यूज आ जाती है नवंबर की, तो नवंबर की सबसे पहले न्यूज थी कि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2020 के, जिसमें जो बाइडन ने मेजोरिटी हासिल की और डिफीट किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद में आ जाती है न्यूज़ कि वैक्सीन COVID-19 की बायो एनटेक नाम की कंपनी है जिसने COVID-19 के ट्रायल वैक्सीन की और 95% विदाउट एडवर्स इफेक्ट उन्होंने अपनी वैक्सीन जो है बाजार में निकाली। उसके बाद में अगली न्यूज़ आ जाती है कि अ न्यू ऑर्गन हैज बीन डिस्कवर्ड, मतलब कि एक नया ऑर्गन मेडिकल साइंस को मिला है ह्यूमन बॉडी में, उन्हें डिस्कवर किया है, उसका नाम है अ सेट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड सेट डीप इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट। उसका भी कुछ नाम नहीं निकाला है लेकिन हाँ वो स्लाइवरी ग्लैंड के पास में स्थित है। दोस्तों उसके बाद में अगला मंथ आ जाता है दिसंबर का, दिसंबर की सबसे पहले न्यूज़ आते ही है कि वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकाला। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसमें बुश फायर, COVID-19, WFH, लॉकडाउन, सर्किट ब्रेकर, सपोर्ट बबल्स, की वर्कर्स, फर थ्रो, बैक लाइव मैटर, क्वारंटाइन एंड मूनशॉट नाम के ऐसे वर्ड्स थे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। उसके बाद में न्यूज़ आ जाती है चिल्ड्रंस पीस प्राइज का विनर है सादत रहमान, जो कि 17 साल का है और बांग्लादेश का रहने वाला है। उसके बाद में अगली न्यूज़ आ जाती है कोहलीज ब्रेक सचिन रिकॉर्ड, मतलब कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि था 12,000 runs इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन कैनबरा। कोहली टुक 212 innings टू रीच द माइलस्टोन ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड बाय 58 innings।
दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके वो बता सकते हैं। अगर आप मेरे वर्क को सपोर्ट करते हैं तो मुझे patreon.com/piyushbhardwaj पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।